गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने सिंघाड़िया स्थित अपने आवास पर मंगलवार को भाजपा के सभी पार्षदों के साथ परिचयात्मक बैठक की। सदर सांसद रवि किशन ने नगर में हो रही समस्याओं को लेकर महापौर सीताराम जायसवाल एवं भाजपा पार्षदों के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर बैठक में मुख्य रूप से महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, समरेंद्र विक्रम सिंह, रणंजय सिंह जुगनू, नगर निगम के उप सभापति ब्रजेश सिंह छोटू, पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद मानतालाल यादव सहित भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आप लोगों का कार्य, आप लोगों ने जितनी मेहनत की उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एड़ी चोटी महाराज जी का स्थान है गोरखपुर को आज पूरे देश में बहुत ऊंचाई से देखा जा रहा है। चूंकि मैं भ्रमण करता रहता हूँ, मुझे पार्टी पूरे देश में लगाई, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमको स्टार प्रचारक बनाए, हरियाणा में भी जाना होगा, दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है, कई जिम्मेदारियाँ भी हमारे सर पर और यहाँ पर भी हो गई। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग ने मेहनत की, जिस तरह से आप लोग जुड़े रहे, सबसे काफ़ी सालों से जानते हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने हम सांसद 2 अक्टूबर को आप लोगों को पदयात्रा ली, सांसद को 150 किलोमीटर, तो कल तो नगर में हम चाहेंगे राहुल जी आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से कहाँ कहाँ आपके सर्वे सर्वा, तो आप अपने हिसाब से के बता दें, पर तब उसके बाद हम एक समाप्त करें फिर मेयर साहब। तो हम चाहब कि हमके जो जिम्मेदारी मिलल बा एक सांसद के रूप में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि हम लोग कैसे 150 किलोमीटर में अपने बूथ की जो हमेशा कई सालों से 70 साल नहीं दिखता, तो ये वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने बात सोची कि उन्हीं हम लोगों को प्रधानमंत्री ने घर बुला के बताया अपने, तो अब हम लोग सबसे टच में रहेंगे, सबके मिलल जाए, सबका सुख दुख जानेंगे। आज हमारे नगर अध्यक्ष जी के साथ बैठ के और मेयर साहब के साथ हम लोगों ने सारे पार्षदों की बैठक ली और सारे पार्षदगण से, चूँकि इतनी बड़ी इतनी बरसात कई सालों के बाद 25-30 साल बाद इतनी बड़ी बरसात हुई, तो शहर में बहुत सारी चिंताएं हो गई, पानी भर गया गड्ढा, सड़कें टूट गई, सड़कें ख़राब हो गई, मिट्टी जहाँ बन रही थी सिविल लाइन की वजह से भी जो काम अधूरा रुका था, तो जनता को बहुत परेशानी नगर में हुई और गांव देहात में भी हो रही। इस वक्त जो दर्शक मुझे सिटी चैनल पर देख रहे हैं, जो दर्शक मुझे गोरखपुर न्यूज़ में देख रहे हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखें। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम यहां पर आज सब बैठक लिए पार्षद जी से और पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएँ बताई, नगर निगम की समस्याओं का भी सुनने जा रहे हैं, अभी सर्किट हाउस में मीटिंग है और मेयर साहब ने और नगर अध्यक्ष जी ने भी अपनी पूरी समस्याएं बताई कि अभी हम लोगों को तुरंत जो बरसात के बाद जो जो नुकसान हुआ है, जो जो हमारी जनता गोरखपुर की नगर की या ग्रामीण क्षेत्र की या शहर से जुड़े हुए क्षेत्र की बॉर्डर क्षेत्र की पीड़ा में, उसका समाधान कैसे किया जाए, सबको अभी रात ही में बैठ के आदेश दिया जाएगा। और कल गांधी जी की जयंती है, तो 150 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नगर अध्यक्ष जी हम लोग सब मिलकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। मैं जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, तो कल हम स्वयं सड़क पर रहेंगे, 150 किलोमीटर की पदयात्रा है, तो हमको 5 विधानसभा में उसको बांट के करना है। कल से उसका श्री गणेश होगा, बाकी नगर अध्यक्ष जी इसके बारे में रोशनी डालेंगे, राहुल श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे इसका ब्यौरा।